नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एडुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर में पोर्टेबल वाटर क्या होता है हमारा, ठीक है, साथ में उसकी कुछ क्वालिटीज़, पोर्टेबल वाटर की क्या क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए या फिर उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टार्ट करना चाहूँगा कि आखिर में क्या पोर्टेबल वाटर होता क्या है, ठीक है। तो पोर्टेबल वाटर मतलब ऐसा वाटर होता है कि वाटर फ्री फ्रॉम कंटामिनेंट्स। क्या बोल सकता हूँ मैं? वाटर फ्री फ्रॉम कंटामिनेंट्स, ठीक है। जो भी कंटामिनेंट्स है उससे अगर हमारा वाटर क्या है, फ्री है, ठीक है, और वो हमारे लिए कंजम्पशन कर सकते हैं, मीन्स ह्यूमन बींग के लिए कंजम्पशन करने लायक अगर पानी है, हम उसको आसानी से अगर कंज्यूम कर पा रहे हैं और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो ऐसे वाटर को हम बोल सकते हैं क्या? पोर्टेबल वाटर। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने कि वाटर, यहाँ पर आप डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कि ऐसा वाटर जो कि कंटामिनेंट से क्या है, फ्री है और सेफ है, मीन्स अगर उसको ह्यूमन बींग कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे कोई भी उनको नुकसान नहीं होगा, तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलेंगे? पोर्टेबल वाटर। क्लियर हुई पहली बात कि पोर्टेबल वाटर क्या है? अब अगर हम बात करें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के या इसकी क्वालिटीज के, मीन्स पोर्टेबल वाटर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहले अगर बात करें हम, तो जो वाटर रहेगा, सपोज मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई पोर्टेबल वाटर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर ये पोर्टेबल वाटर है। हमने बात कर ली पोर्टेबल वाटर क्या है, अब इसकी क्या क्वालिटीज होना चाहिए। ये फ्री फ्रॉम मतलब कलरलेस होना चाहिए, ठीक है, कलरलेस होना चाहिए ये, इसके अंदर कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। साथ में ये क्या होना चाहिए? ऑर्डरलेस होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डरलेस होना चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई भी हमको स्मेल वगैरह नहीं आने चाहिए, मतलब स्मेल इससे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है टेस्ट, इसका अच्छा टेस्ट हो, मीन्स प्लेजेंट टेस्ट इसके अंदर हमको देखने को मिलना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जो पोर्टेबल वाटर रहता है वो कैसा होना चाहिए, वो ऑर्डरलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए एंड उसके प्लेजेंट टेस्ट उसमें से आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें हम कि जो पोर्टेबल वाटर रहता है उसकी हार्डनेस जो है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी हार्डनेस इस रेंज के अंदर, मीन्स 125 ppm के समथिंग उसकी हार्डनेस होनी चाहिए। ppm से आप क्या समझ सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। और यहाँ पर अगर एक और बात मैं बता दूँ, ppm और mg पर लीटर बराबर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि जो pH रहेगा पोर्टेबल वाटर का, वो pH आपका किस रेंज में होना चाहिए, 7 से 8.5 तक अगर आपका पीएच है होना चाहिए, किसका? पोर्टेबल वाटर का। इतना पीएच आपको रखना होगा, इससे अगर इस रेंज के बाहर आपका पीएच है तो वो अच्छा नहीं रहेगा, वो पोर्टेबल वाटर को की क्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट जो है कि उसके अंदर जो पोर्टेबल वाटर आएगा जिसके अंदर मैक्सिमम टीडीएस, दैट इज टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है, वो हमारे 500 ppm को एग्जिट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स जो TDS रहेगा, TDS शुड नॉट बी ग्रेटर देन 500 ppm, मतलब 500 ppm से आपका TDS कम होना चाहिए, किसके लिए? पोर्टेबल वाटर के लिए, ठीक है। साथ में जो टर्बिडिटी है, क्या टर्बिडिटी रहेगी पोर्टेबल वाटर की, वो भी आपकी 25 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने कि टर्बिडिटी आपकी जो रहेगी वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 ppm, इससे आपकी टर्बिडिटी क्या होनी चाहिए, 25 से कम होती है। और यहाँ पर बता देता हूँ मैं, टर्बिडिटी को हम अलग अलग चार डिवाइसेज से जिनसे मेजर कर सकते हैं, अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ फिर भी, एक होता है टर्बिडिटी रोड, टर्बिडिटी रोड, जिसकी मदद से आप टर्बिडिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि वाटर जो रहेगा हमारे, जो भी हार्मफुल मेटल्स रहते हैं, ठीक है, हार्मफुल मेटल बोल सकते हैं, यहाँ पे टॉक्सिक मेटल होते हैं, मीन्स वाटर जो रहेगा पोर्टेबल वाटर, ठीक है, पोर्टेबल वाटर जो रहता है फ्री फ्रॉम होना चाहिए, क्या? फ्री फ्रॉम टॉक्सिक मेटल, क्या बोल सकता हूँ मैं? टॉक्सिक मेटल से फ्री होना चाहिए।
यह पॉइंट लिखा है। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो हैवी मेटल्स है या फिर इसको हम टॉक्सिक मेटल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, टॉक्सिक मेटल जैसे कि लेड हो सकता है, आर्सेनिक, क्रोमियम एंड मैंगनीज, इनसे फ्री होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट और सेवन्थ पॉइंट जो है क्या बोलता है कि फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा मैंने। तो पैथोजेंस क्या हो गया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से फ्री होना चाहिए, मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिजीज को कॉज कर रहे हैं उनसे फ्री होना चाहिए हमारा कौन, पोर्टेबल वाटर। अगर पोर्टेबल वाटर के अंदर, अगर किसी वाटर के अंदर, सुनिएगा, किसी वाटर के अंदर अगर हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो उसको हम पोर्टेबल वाटर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको वो फिर हमारे लिए सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो है कि वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिजोल्व गैसेस। जो आप पोर्टेबल वाटर जो रहेगा उसके अंदर डिजोल्व गैसेस नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की, दैट इज H2S डाई, ये H2S, CO2 एंड NH3, इसके अंदर कोई सी भी डिजोल्व गैसेस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके वाटर के अंदर ये सारी क्वालिटीज है जो जो मैंने अभी आपको बताई, अगर ये सारी क्वालिटीज आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स, तो उसको आप पोर्टेबल वाटर कह सकते हैं और वो आप आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, www.gyanimohan.xyz। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, वहां पर आप जरूर विजिट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स।